महाराष्ट्र रे जारी रही राजनैतिक संकट शासक एवं विद्रोही मध्य क्षमता को नहीं छक्का पंझा चलता बेले एबे एही मामला सुप्रीम कोर्ट रे पहुंची। 16 विद्रोही विधायक को अयोग्य घोषणा करने लगी उपवाचस्पति जारी करितबा नोटिस को चैलेंज करी विद्रोही माने सर्वोच्च अदालत रे पिटीशन दाखल करछन्ते। प्रक्रिया उपरे रोक लगवा लगी अनुरोध कर आज यह मामलार शुणी हो जमापड़े। सेपटे सिंधे नेतृत्वाधीन विद्रोही विधायक गोष्ठी सोमवार एमभीए सरकार को समर्थन प्रत्याहर कर सिंधे साहब के भूमिका के समर्थन में, हिंदुत्व की भूमिका के समर्थन में और राष्ट्रवादी और कांग्रेस का जो हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर महाराष्ट्र के कार्य जो अन्याय अत्याचार हो उसके खिलाफ जो उन्होंने भूमिका ली उसके समर्थन में हम लोग मैंने इस्तीफा दिया। महाराष्ट्र रे जारी रही राजनीतिक संकट शासक एवं विद्रोही मध्य क्षमता को नहीं छक्का पंचा चलता बेले एबे भी यही मामला सुप्रीम कोर्ट रे पहुंची। 16 विद्रोही विधायक को अयोग्य घोषणा करने लगे उपवाचस्पति जारी करितबा नोटिस को चैलेंज कर विद्रोही माने सर्वोच्च अदालत रे पिटीशन दाखल करिसेंती। तेबे संपर्क में अधिक आलोचना करबा पई आम सहित दिल्ली रु जोड़ी होचंती आम प्रतिनिधि प्रदीप्त महापात्र। प्रदीप्त वर्तमान अपडेट कौन आसुची घटना रे सुप्रीम कोर्ट रे नहीं आज शुणी होबार कार्यक्रम रही कौन रही आप अपडेट खबर निहाति भाव में मंदाकिनी अपनी जो कथा कहले महाराष्ट्र राजनीतिक संकट वर्तमान सुप्रीम कोर्ट रे पहुंची एवं एने की सुप्रीम कोर्ट रे जो विद्रोही विधायक मैंने जो मान महाराष्ट्र विधानसभा उपवाचस्पति अयोग्य घोषित करते 15 जन विधायक पिटीशन कर सुप्रीम कोर्ट रे एवं खोद जे की एकनाथ सिंधे जे विद्रोही विधायक वर्तमान लीडर साजिंट से मध्य गोटे पिटीशन कर पिटीशन हो पिटीशन को लेकिन शुणी हो सुप्रीम कोर्ट रे एवं आम देखा सेपटे शिवसेना बड़ गोटा केमी पिटीशन विरोध रे जो पिटीशन को सामना कर बर्तमान आम जी नजर पकड़ा गोटे पीआईएल बा जनस्वार्थ मामला महाराष्ट्र जो बॉम्बे क्षमा करेंगे बॉम्बे हाईकोर्ट रे मध्य दायर करा जाय छि 38 जन जो अछंती शिवसेना रो विद्रोही विधायक एवं एकनाथ सिंधे तांको विरोध रे बॉम्बे हाईकोर्ट रे पिटीशन जो पीआईएल दाखल करा जाय छि एवं सेथरे दाबी करा जाय छि जे कोर्ट ऑर्डर दियंतु सेमाने पूर्ण थरे आसी कि तांको दायित्व रे रहिबे तांकर जे मंत्री थिले मंत्री भाबे दायित्व निभेबे जे विधायक थिले सेमाने विधायक भाबे काम करिवे तनु उभय एकनाथ सिंधे एवं सेपटे देखा शिवसेना मुख्य उद्धव ठाकरे भितर जो वर्तमान जो लड़े था धीरे धीरे तेजी लगी निहाती भाव में प्रदीप्त से मामला वर्तमान सुप्रीम कोर्ट में पहुंची सारी आ किसी समय मध्य सुप्रीम कोर्ट में शुणी होबार कार्यक्रम रही तेज देखते सेपटे एमभीए सरकार को जो समर्थन भी सेपटे प्रत्याहार करते कौन अपडेट खबर आसुची प्रदीप्त आप शुणी पार प्रदीप्त सुप्रीम कोर्ट रे जेहेतु आज शुणी हबार कार्यक्रम रही सेने कौन अपडेट खबर आसुची प्रदीप्त निश्चित भाव रे सुप्रीम कोर्ट रे जो शुणी हबार अछि ता हेउची से नै कि वर्तमान खबर जहां आज दिन 12:30 शुणी आरंभ हबार थिला वर्तमान तो समय गोटे बाजिला अधघंटा पकाबी गेलाणी किंतु वर्तमान सुधा जो अपील करितिले विद्रोही विधायक माने 15 जन विद्रोही विधायक से उपवाचस्पति अयोग्य घोषित करते किंतु तांकर युक्ति होची जे विधानसभा भितर गृह कार्य को प्रकार से बाधा सृष्टि करते गृह कार्य करिबारे कोनोसी समस्या उपजाई थांते तले अयोग्य घोषणा करते मानि थांते किंतु राजनीतिक जो प्रतिद्वंदिता रही बा दल भितर जदि कोनोसी समस्या रही नहीं उपवाचस्पति केमिति अयोग्य घोषित कले यही युक्ति को लेकिन से सुप्रीम कोर्ट को जाइछन्ति सुप्रीम कोर्ट या उपरे कोन विचार करिवे ता तो शुणी शेष पर ही जना पड़िबो
କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେ ଏବଂ ଏକନାଥ ସିନ୍ଧେଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ତାହା ଯୋଡି ହେବାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଅସମ୍ଭବ ଭଳି ଲାଗୁଛି। କାରଣ ଯେତେ ମାନେ ବିଦ୍ରୋହୀ ବିଧାୟକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ରିସେଣ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ଅଛି ପାଖାପାଖି 48 ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ଅର୍ଥାତ୍ ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେଙ୍କ ଶିବିରରୁ ଏକନାଥ ସିନ୍ଧେଙ୍କ ଶିବିରକୁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯାଉଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଏଠି ନୂଆ ସମୀକରଣ ରାଜନୈତିକ ସମୀକରଣ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏବଂ କିଛି ରାଜନୈତିକ ସମୀକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ ମତାମତ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ପୁଣି ଥରେ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଫଡନବିସଙ୍କ ସରକାର ଅର୍ଥାତ୍ NDA ସରକାର ସେଠି ଫେରିପାରେ, BJP ସରକାର ଫେରିପାରେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସ୍ପେକୁଲେସନ ବା ଆକଳନ କରାଯାଉଛି। ମନ୍ଦାକିନି ନିହାତି ଭାବରେ ପ୍ରଦୀପ୍ତ, ଏହା ତ ଆଶା କରାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟପଟେ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଶୁଣାଣି ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, ଅନ୍ୟପଟେ NBA ସରକାରଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିଛନ୍ତି ଏକନାଥ ସିନ୍ଧେଙ୍କ ଗୋଷ୍ଠୀ, ସେ ନେଇ କିଛି ଅପଡେଟ୍ ଖବର ଆସିପାରୁଛି କି ପ୍ରଦୀପ୍ତ? ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସେ ନେଇ କୌଣସି ଅପଡେଟ୍ ଖବର ଆସିନାହିଁ, ଯାହା କେବଳ ସମର୍ଥନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଖବର ହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏବଂ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରୁ ଯେହେତୁ ଶୁଣାଣିର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ତାହା କୌଣସି ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ମୋଡ଼ରେ ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ନେଇ କୌଣସି ଯେଉଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ବା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ସୂଚନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମିଳିପାରିନି। ନିହାତି ଭାବରେ, ଯେହେତୁ ଆଜି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଶୁଣାଣି ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ପୂରାପୂରି ଘଟଣା ଉପରେ ନଜର ରଖିଥାନ୍ତୁ ପ୍ରଦୀପ୍ତ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ।